Hey guys, good morning. Welcome to my new blog. और देखो सुबह के बज गए हैं 7। और देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। टट्टू हो गया रेडी स्कूल के लिए। टाइम हो गया, अभी है टाइम। हर्षु क्या कर रहा है? हर्षु तो भाई मस्त करके सो रहा है, देख लो। एसी तो अभी इसने बंद कर दिया है, मैंने ही बंद किया था। हर्षु स्कूल स्कूल टाइम हो गया, इतनी सारी तकिया लगा रखी है, कवर कहाँ गए सारे तकिए हो गए? नहीं जाना क्या? चलो चलो तैयार हो फटाफट। हर्षु तो भाई मुझे लग रहा है नौटंकी कर रहा है, स्कूल नहीं जाएगा। एक्चुअली क्या है ना, कल से उसको थोड़ी खांसी हो रही है। सनीधाम गए थे ना तो बारिश में थोड़ा वो भीग गया था, क्योंकि तो बारिश पड़ रही थी ना वहाँ पे, तो उसके बाल बाल सब भीगे हुए थे, तो वहाँ से हल्की हल्की खांसी शुरू हो गई थी। चलो देखते हैं, अगर जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको आज दवाई दिलवा देंगे। चलो गाइस, मैं भी नाश्ता वास्ता करके तैयार हो जाता हूँ, आज तो काफ़ी सारे काम हैं। घर का राशन लाना है और मोतीनगर भी जाना है, IFL के ऑफिस लोन क्लोज करवाया है ना, तो उसके लिए एक बार बात करनी है जाके, ताकि डॉक्यूमेंट्स जल्दी से जल्दी आ जाएं। एंड देन उसके बाद जाना है BSCS भी जाना है आई थिंक, मेरे ख्याल से आज। और डॉक्टर के पास जाना है, एक मम्मी के ना घुटनों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आजकल, तो उनका MRI कराया था तो कुछ रिपोर्ट्स आई है कि हाँ घुटनों में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक बार मैं सोच रहा था कि हड्डियों के डॉक्टर को दिखा लेता हूँ, रिपोर्ट्स को देखते हैं क्या कहते हैं। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। A few moments later. ये देखो गाइस कितनी बारिश हुई है आज। मैं सोच रहा था कि आज थोड़े से काम निपटा लूँगा, आज इतनी बारिश हुई, थोड़ा सा बिजी क्या हो गया था मैं अपने काम में, यहाँ बारिश हो गई। अभी देखो हमारे ना इस गली की 12 नंबर गली है, इसकी सड़क अभी तक बनी नहीं है, पीछे सारी गलियों की सड़क बन गई है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी वाला, उससे हमने पूछा, कह रहा है यहाँ पास तो कर दिया इन्होंने, सड़क नालियाँ वगैरह सब पास हो गई है, बस बरसात की वजह से काम रुक गया है। और देखो हमारे घर के बिल्कुल सामने ये ना गड्ढा सा हो गया है, 3 दिन पहले मैंने देखा था ना, एक छोटा हाथी का पिछला वाला हिस्सा जो टायर है वो फंस गया था इसमें। बहुत रिस्की है, अगर बड़ी गाड़ी आएगी ना तो भाई अंदर घुस जाएगा ये तो। चलो देखते हैं, कुछ काम तो करने पड़ेंगे, राशन वाला तो काम करना पड़ेगा, राशन लेके आना पड़ेगा। बच्चे भाई स्कूल से आ गए हैं। हर्षु तो घर गया नहीं था क्योंकि उसको हो गया था, क्या हो गया था, खांसी, सॉरी, हर्षु को थोड़ी सी खांसी हो गई थी, स्कूल गया नहीं वो। टुट्टू आ गया स्कूल से, और दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं बच्चे, चुपके से दिखाता हूँ। गाइस बच्चे पढ़ रहे हैं ट्यूशन, अभी क्या है ना कि ऑनलाइन ट्यूशन मैडम ने लिया आज। आज एक्चुअली बारिश ज़्यादा हो रही थी तो मैम आई नहीं, तो उन्होंने कहा कि आज ऑनलाइन पढ़ा देंगे। और अक्सर ऐसा कभी कभी हो जाता है कि मतलब मैम छुट्टी नहीं करती, इनकी टीचर जो है ना बहुत अच्छी है, वो छुट्टी नहीं करेंगी, वो ऑनलाइन क्लास ले लेंगी। ये मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे कि हाँ छुट्टियाँ हमारी वजह से होती है, जैसे हम कहीं जाते हैं ना तब हम छुट्टी करते हैं, अदरवाइज़ मैडम छुट्टी नहीं करती हैं। और इवन मतलब कभी कभी तो संडे को भी आ जाती हैं, जब उन्हें लगता है ना भाई ज़्यादा छुट्टियां कर ली हैं बच्चों ने इस बार, तो फिर वो संडे को भी क्लास आके ले लेती हैं।
चलो बच्चों को पढ़ लेने दो, उसके बाद शाम को चलते हैं। वैसे तो कीचड़ कीचड़ हो गया है, मैं सोच रहा था कि इनको भी ले चलूँगा साथ में, राशन वासन लेने जाएंगे ना मैक्स बाज़ार से, काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन हर्षू को खांसी आ रही है, टुट्टू को भी पेट में दर्द बता रहा था, वो बेचारा स्कूल गया था, कह रहा था कि पेट में ना मरोड़े पड़ रहे थे, लेकिन अभी तो थोड़ा ठीक है, बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दवाई ले आएंगे। टुट्टू का, हर्षू टुट्टू का, बरसात का मौसम है ना इसलिए बाहर का इस टाइम खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बीमार होने के चांसेस होते हैं। तो वैसे तो हम बहुत कम ही खाते हैं, जैसे कहीं घूमने वूमने चले जाते हैं ना तब खाते हैं। अब वही है ना भाई कि रेस्टोरेंट में भी कैसे बना रहे हैं क्या बना रहे हैं कुछ नहीं पता होता है, तो फिर भी अवॉइड करना चाहिए हमें बाहर का खाना, चाहे अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट का भी खाओ तब भी। हालांकि बाहर खाने की वजह से तो नहीं हुआ है, खांसी जो हुई है हर्षू को वो बरसात में भीगने की वजह से हुई है। हम सन्निधान का परिक्रमा लगा रहे थे ना, वहाँ बारिश हो रही थी और हम चारों ही नंगे पाँव परिक्रमा लगा रहे थे इस बार, तो मे भी उसकी वजह से, और थोड़ा बहुत बारिश उनके सर पर भी पड़ी है, बाल गीले हो गए थे। और टुट्टू का तो पेट दर्द इसलिए हो रहा है, कल हमने नॉनवेज वगैरह बनाया था तो मुझे लग रहा है उसने ज़्यादा खा लिया, एक स्पाइसी था तो मे भी उसकी वजह से। चलो फिर करते हैं बात थोड़ी देर में। चलो गाइस राशन लेके आते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम करना पड़ेगा, स्कूटी में पेट्रोल, अरे पेट्रोल है? नहीं पेट्रोल है, स्कूटी की हवा निकल गई। आपने सपना जो बताया था, आपने सपना आया था? सपना आया था अगला वाला है। तो अभी स्कूटी में हवा भरेंगे, और आज 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 ना हम अपने उस पंप से भरेंगे जो अपनी गाड़ी के लिए यूज़ करते हैं। हाँ यार उस दिन धुलवाई थी, उसके बाद फिर गंदे गंदे गीले कपड़े से करना पड़ेगा। पापा गाड़ी खोलते हो क्या? ये ना फिर उठता है ना बेहाल, तो मैं जय गिर रहा देखो पापा ने गाड़ी ऑन करी एंड्रॉइड। हर्षू पीछे बैठ रहे, अभी यहाँ पे हम लगाएंगे पंप का वो चार्ज, यहाँ पे लगेगा है ना। तो गाइस हर्षू आ चुका है अपनी जगह पे जहाँ पे ये आना चाहता है हर रोज। तो स्कूटी निकाल रहे, हमने तो पहली बार देखा है, पहली बार पंप लगा के मेरे को लगता है लग जाएगा, क्योंकि साइकिल में लगा है तो इसमें भी लग जाएगा। साइकिल में लग गया जैसे उछलती है ना, और हर्षू ने अपनी साइकिल लॉक लगा रखी है मेरी डर के वजह से। अंदर से आपको लगा के आना पड़ेगा। ओहो पापा यहाँ से लगाएंगे, लग जाएगा इसमें? लग जाए, लग गया। चलो भाई अब स्टार्ट कर दो। भर गया हाय, और ये देखो हेड लाइट तो मस्त लग रही है गाड़ी की। ओहो लाइट मार रहा है। चलो भाई अब दूसरे टायर में, ये तो दिख गया यहाँ इसे एकदम। होगी इसमें भी इतनी जल्दी? हाँ मेरे ख्याल से 5 मिनट से कम ही लगा है। ओ देखो हॉर्न दे रहा है वो अंदर बैठ के, लाइट मार रहा है।
उसे बता रही है आपकी तरह गाड़ी चलाने का शौक है, हैं? बेचारा अभी गाना चला रहा था, इंटरनेट ही नहीं है। वाओ, आवाज कितनी कर रही? 30 तो कर ली है पूरी। तो गाइस ये तो मजाक मस्ती करता रहेगा। ये देखो लाइट मार रहा है दोबारा। ये आप आ चुके हैं, चलो बंद, चलो भाई बेचारा। तो देखो गाइस हम पहुंच गए हैं मैक्स बाजार, अब यहाँ करेंगे शॉपिंग। चलो शॉपिंग करके निकलते हैं। सो गाइस राशन तो देखो इतना सारा ले लिया हमने। हटो, ये देखो कितनी घड़ियाँ लगी यहाँ पे। एक घड़ी यार हमें भी चाहिए, बढ़िया सी डिजाइन घड़ी, लेकिन यहाँ ना महंगी मिलेंगी, जैसे नहीं लेंगे। देखो 3,000 की है। सामान ले लिया, अभी बिलिंग काउंटर पे पहुंच गए हैं, लाइन लगी हुई है। मेरे ख्याल से 15-20 मिनट लग जाएंगे यहाँ से बिलिंग करवा के निकलने में। ये देखो पूरी ट्रॉली भर गई हमारी। तो यहाँ पे काउंटर है 1, 2, 3, 4, 5 पांच काउंटर है, लेकिन 6 है काउंटर, तो 4 पे सिर्फ बिलिंग हो रही है। चलो फटाफट बिल करवा के निकलते हैं फिर यहाँ से। 2,000 years later। सो गाइस फाइनली देखो घर पहुँच गए हैं, और हमारा राशन नहीं आया क्योंकि राशन आएगा होम डिलीवरी के थ्रू। जो थोड़े बहुत जूस वगैरह मैं ले आया था, बट मजा भी आया था, चॉकलेट मैगी बिस्किट वगैरह सब ले आया था, बाकी चीज़ वो लेके आएंगे, और सब्जी भी लेके आया हूँ मैं अभी। पता नहीं बेटा मेरे को। चलो फिर गाइस खाना बनाते हैं। आज मुझे बनाना है मैगी। मैं जो अपने तरीके से बनाता हूँ ना, आलू प्याज टमाटर डाल के मस्त। मटर नहीं है यार, मटर होता ना और बढ़िया। मटर प्याज मंगवा लो फिर ब्लिंकिट से फटाफट, है ना? छिली हुई मटर ज़्यादा मत बनाना, मंगाना आधा किलो। कल मैं बैंगन लाऊंगा, बैंगन बैंगन के भरते में भी डल जाएगा। हींग लाया हूँ मैं, इसमें होगी या कल आ जाएगी? चलो गाइस फिर आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, उसके बाद आराम करेंगे। बड़ी थकान सी हो रही है पता नहीं क्यों। ठीक है, चलो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।